हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर ऑफ साइंस एंड टुडेज क्लास वी डिस्कस आवर साइंस सब्जेक्ट सम टॉपिक्स। सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू इन टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉ, ये चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट स्टडी कर लिया था। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था, इस चैप्टर में हमने, जैसा कि हमारा हेडलाइन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन वो कैसे होता है। उनका फॉर्मेशन मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होता है और इनको अपन अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, इनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर जो था, हमने पिछली कुछ क्लासेस में इसको टोटली कंप्लीट कर लिया था। आज इस चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आज हमारे क्वेश्चन आंसर, देखिए बच्चों, फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज में टॉपिक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको देखा जा सकता है किसकी हेल्प से। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले की क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोप। तो यहाँ लिखेंगे हम माइक्रोस्कोप, क्यों, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के हम जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको नहीं देख सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइक्रोस्कोप। आगे है, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, जो क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी के लिए डायरेक्ट जो है, जो क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी में नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है उसको करने का काम करती है। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। जैसे कि बच्चों आप जानते हो अच्छे से, नाइट्रोजन जो होता है वो काफी यूजफुल होता है। हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को जो अब्सॉर्ब या हम हमारे फूड में नहीं ले सकते, इसके लिए क्या होता है, जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, उस गैस को फिक्स करने का काम कौन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम शॉर्ट में राइजोबियम भी कहते हैं। यानी राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। आगे है, अल्कोहल ही प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस की जाती है किसकी हेल्प से। तो बच्चों मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैंने अभी भी आपको बताया कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या करती, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती। ठीक वैसे ही ऐसे माइक्रोब्स का नाम लिखना है हमें जो अल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों वो क्या है, वो हमारा है यीस्ट। यीस्ट जो है एक माइक्रोब्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स जिसे बोलते हैं, ये क्या करता है, ये अल्कोहल का निर्माण करने में, इसको बनाने में हेल्प करता है, या इसकी हेल्प से हम अल्कोहल बना सकते हैं। आगे है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा जो डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, ये भी माइक्रोब से होती है। जैसा हमारा आज का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जितनी भी डिजीज है उनमें से देखिए कोलेरा जो डिजीज है वो होती है बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर होगा बैक्टीरिया। अब बच्चों ये तो हमने लिखा है कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, अब कौन से बैक्टीरिया से होता है, वो होता है हमारे विब्रो कोलेरा। तो यह हमारा आंसर क्या होगा, विब्रो कोलेरा। अब कोलेरा डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रो कोलेरा। आगे टिक द करेक्ट आंसर, हमें टिक द करेक्ट आंसर करने कैसे, हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसे हमें टिक द करेक्ट करना है। देखिए फर्स्ट है, यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का निर्माण, यीस्ट जो है किसके निर्माण में हेल्प करता है। तो हमारा ऊपर क्या था, अल्कोहल, तो हमारे ऑप्शंस में भी क्या है, अल्कोहल, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल के निर्माण में या अल्कोहल को बनाने में यीस्ट का योगदान होता है। आगे है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन में है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। तो बच्चों यीस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये
क्या है, माइक्रोब्स, तो एंटीबायोटिक नहीं है। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल एक प्रोडक्ट है, ये भी आपका एंटीबायोटिक नहीं हो सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट या स्ट्रेप्टोमाइसिन में से हमें जो हमारा सही आंसर है वो देखिए, वो हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या है, वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मीन्स ये एक प्रकार की दवा है। आगे है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, यानी मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ जो है इसका कैरियर कौन है, इसका वाहक कौन है, किससे बीमारी फैलती है। मलेरिया बीमारी जो है किसके द्वारा फैलती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। हमें बताना है कि जो मलेरिया बीमारी जो है उसका वाहक कौन, किसके द्वारा ही होती है। तो आपके जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, मादा मच्छर जो है, एनाफिलीज मादा मच्छर जिसे कहा जाता है एनाफिलीज, तो इसके द्वारा जो है मलेरिया बीमारी फैलती। तो हमारा आंसर क्या होगा, फीमेल एनाफिलीज। आगे है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, यानी ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं हमारे आसपास उसका कारण कौन है, आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। तो बच्चों जो हाउस फ्लाई जो होती है, हमारे घरों में जो मक्खियाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर बीमारियाँ जो है हमारी इसी हाउस फ्लाई से होती हैं। आगे हैं द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, बच्चों आपने कभी इडली या ब्रेड देखा होगा तो उसका जो डो होता है, उसका जो सॉल्यूशन जो होता है, अगर रात भर रखो या कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उनमें यीस्ट जैसे कुछ, तो उस डो में जो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं उफनने वाली सिचुएशन बन जाती है, यानी कि उसमें कुछ बारीक बारीक होल्स बन जाते हैं। तो वो क्यों बनते हैं, तो वो बनते हैं हीट या ग्राइंडिंग ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल या नीडिंग। तो ये बनते हैं हमारे यीस्ट सेल के कारण, यीस्ट जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया की वजह से ब्रेड और इडली का जो डो है उनका मसाला जो बनता है वो ऐसा बन जाता है। आगे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, शुगर का अल्कोहल में तब्दील होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फर्मेंटेशन। तो उसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। अभी हमारा जो ऊपर जो था ब्रेड और इडली का जो डो है उसमें क्या बन जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस किसके कारण होती है, यीस्ट सेल के कारण होती है। आगे हैं मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी, हमें कॉलम ए में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें मैच करना है किससे, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या योगदान होता है, उनसे हमें इनको मैच करना है। देखिए फर्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया हमारा जो बीमारी है कोलेरा इसको फैलाने का काम करता है। तो विब्रो कोलेरा जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इससे कौन सी बीमारी फैलती है, इससे कोलेरा बीमारी फैलती है। आगे है राइजोबियम, राइजोबियम से क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था, नाइट्रोजन जो है उसकी फिक्सेशन का काम करता है राइजोबियम। थर्ड है लैक्टोबेसिल्स, लैक्टोबेसिल्स का क्या काम होता है, तो बच्चों लैक्टोबेसिल्स जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, दही के अंदर या कर्ड के अंदर, यहाँ देखिए सेटिंग ऑफ कर्ड यानी दही के जमने का काम करता है, सेटिंग मीन्स दही जो जमता है उसका कारण कौन होता है, लैक्टोबेसिल्स बैक्टीरिया जो होता है उसके कारण होता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, दूध से दही बनने का काम जो है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, वो होता है आपके लैक्टोबेसिल से। आगे है यीस्ट, यीस्ट का क्या काम है, यीस्ट का हमें देखना है, तो यीस्ट क्या करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड हमने अभी पढ़ा था, यीस्ट का एक तो कौन सा रीजन हो गया, ये क्या करता है अल्कोहल को बनाने, शराब बनाने में भी कौन योगदान देता है, यीस्ट देता है। अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी कौन हेल्प करता है, यीस्ट। उसके अलावा ब्रेड जो बनाते हैं तो उसको बेक करने से पहले इसका जो डो तैयार किया जाता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उस डो के अंदर पाया जाता है आपका यीस्ट। फिफ्थ है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या है, तो प्रोटोजोन है बच्चों आपका कोजिंग मलेरिया, प्रोटोजोआ से क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। और मलेरिया क्या था बच्चों, अभी हमने पढ़ा था मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया फैलता है आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। अब आगे है ए वायरस, वायरस कौन है, दो ऑप्शन हो गए हमारे, एक तो कोजिंग एड्स या प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक,
तो हमारा राइट आंसर क्या है, कॉजिंग एड्स। एड्स जो बीमारी है वो किससे होती है, वो वायरस से होती है। तो यहाँ तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं ऑप्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन टॉपिक बी टिक द करेक्ट और सी मैच द फॉलोइंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यदि नहीं तो हम उनको कैसे देख सकते हैं। तो इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम नोटबुक में करते हैं। तो देखिए हमारे नोटबुक में क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ हमारा क्या आंसर था, तो आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन बाय यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नेक्ड आइज, हमारी जो आंखें हैं इनसे डायरेक्टली इनको नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। ये क्या होता है बच्चों, ये मशीन जिसे बोल सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, इसकी ज़रूरत हमें होती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इस कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, यहाँ देखिए व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। तो देखिए मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो, देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं जो हमने बुक में पढ़े थे, उनको हमें लिस्ट करना है। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स, एल्गी और वायरस, ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं हमारे आसपास पाए जाते हैं और इनको हमें एज ए आंसर लिखना है। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। बच्चों हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है जिसके हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वातावरण में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस जो है वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन जो है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो नाइट्रोजन जो होती है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है। आगे सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर आवर लाइफ, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके ऊपर 10 लाइंस लिखनी है ताकि हमारी जो लाइफ में उनका कोई योगदान होता है, यानी क्या क्या योगदान हमारी लाइफ में है वो 10 लाइन्स हमें लिखनी है। देखिए दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट आप जानते हो वेजिटेबल पील्स, रिमेंस ऑफ एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा। वेजिटेबल पीस यानी सब्जियों के छिलके और जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो सब क्या है, वो है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो बैक्टीरिया जो होता है वो इनको सॉइल में इनको मिक्स करने का काम कर देता है, इनको रोट करने का, रोटेशन का काम कर देता है, रोट कर देता है, सड़ा गला देता है ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ रह सके। तो फर्स्ट यूज तो ये हो गया। आगे ही कर्ड कंटेंस सीवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरिया लैक्टोबेसिस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ए मल्टीपल्स ऑफ मिल्क एंड कन्वर्ट्स इंटू कर्ड। और कर्ड जो होता है, दही जो होता है, उसके अंदर खूब सारे सीवरल का मतलब होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है वो कौन सा है, लैक्टोबेसिस, जो क्या करता है दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कर देता है, दूध से दही बनता है। तो इसके पीछे कौन सा रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है आपका लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया। आगे है बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम।
उसके अलावा बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, चीज़ बनाने में, अचार बनाने में, या बाकी के जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि ब्रेड, इडली, डोसा, ये सब बनाने में किसका योगदान होता है, बैक्टीरिया का योगदान होता है। आगे हैं, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा, और उसके डोसा बेटर। और उसके अलावा बैक्टीरिया का इस्तेमाल किसमें होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट का इस्तेमाल करके हम फर्मेंटेशन का काम कर सकते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों, किण्वन क्रिया होती है जिसमें काफ़ी समय तक रखा जाता है और उसमें यीस्ट जो है उसको डाला जाता है। यीस्ट या बैक्टीरिया होते हैं वो पनपते हैं और उसको फर्मेंटेशन का काम करके राइस, इडली, डोसा इनका बेटर बनता है, इनका घोल तैयार होता है। आगे है, गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, सॉरी आगे हैं, यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसके अलावा यीस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये कार्बन रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादन करने का काम करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ये किसके बारे में बताया गया है, जो इडली या फिर डोसा का जो बेटर बनता है या ब्रेड का जो बेटर बनता है उसके अंदर यीस्ट प्रेजेंट होता है। यीस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है और उसके बाद में उसमें बबल्स, हल्के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। और जो डो होता है उसका जो बेटर होता है, आटा जो होता है इडली और डोसा के लिए जो आटा होता है वो फूल जाता है। वो क्यों फूल जाता है, वो यीस्ट के कारण फूलता है। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes. और इसी कारण yeast का इस्तेमाल होता है baking industry में, यानी कि आपके जो pizza burger हम जो खाते हैं, cakes जो खाते हैं, pastries जो खाते हैं, इसमें कौन होता है, इसमें yeast होता है। yeast के कारण ही हम ये सब खा पाते हैं। आगे हैं, microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे अल्कोहल का, शराब का, वाइन का या फिर एसिटिक एसिड विनेगर का बनाने में भी होता है। आगे हैं, एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, एंटीबायोटिक जो है, जो दवाइयाँ जो लेते हैं बीमारी से सही होने के लिए, उनका निर्माण में भी किसका योगदान होता है, बैक्टीरिया और फंगी का एक अच्छा रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो खूब सारी बीमारियां होती है उनके इलाज के लिए जो वैक्सीन्स, टीके बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, उनके में उनमें भी इस्तेमाल होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एंड इन रीच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि अपना राइजोबियम, ये क्या करता है, जो वातावरण की नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करता है ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ सके। आगे हैं, नाइट्रोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कन्वर्ट दैन इंटू सिंपल सब्सटेंस, और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डीकम्पोज का, यानी सड़ाने गलाने का काम करते हैं जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे जानवर जो मर जाते हैं, पेड़ पौधे जो नष्ट हो जाते हैं, उनको डीकम्पोज करने का काम करता है ताकि वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन सब्सटेंस का इस्तेमाल बाकी जो एनिमल्स जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, या मिट्टी में हम फेंक देते हैं तो उनको जो बैक्टीरिया जो होता है उनको डिकम्पोज कर देता है और वो क्या बन जाता है, वो खाद बन जाती है, और उस खाद का इस्तेमाल हम जैसे कि आप जानते हो फसलों में अच्छे से कर सकते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपना जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा सकते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मॉलेस्ट सब्सटेंस एंड थ्रे बाई देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इसी कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। देखिए 2 क्वेश्चन कौन से, अपने राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो यूजफुलनेस है वो हमने पढ़ी, अब हमें पढ़ना है हार्मफुलनेस ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या नुकसान है वो पढ़ने हैं। उसके अलावा हमें पढ़ना है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है और इनको लेने के लिए हमें कौन से प्रिकॉशन, उनको दवाइयाँ लेने से पहले कौन से उपाय हमें करने चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो इतना वर्क आज आपको नोटबुक में करना है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे। तो बच्चों एक बार वापस से देख लीजिए आपको आज नोटबुक में क्या करना है। तो फर्स्ट तो आपको करना है फिल इन दी ब्लैंक्स, फिर करना है आपको टिक दी करेक्ट, मैच दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इतना सब वर्क आज आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में हमारे दो क्वेश्चन जो हमें रिमेनिंग क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हमारे दो क्वेश्चन को हम कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।